नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क। नौतन में जहरीली शराब कांड में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे चिराग पासवान। नौतन प्रखंड के दक्षिणी तेलुआ पंचायत में जहरीली शराब पीने से 17 व्यक्ति की मौत हुई। लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख और जमुई के सांसद चिराग पासवान साथ में राष्ट्रीय महासचिव राजीव तिवारी डॉक्टर शाहनवाज कैसे पीड़ित परिवार से मिलकर सरकार को घेरते हुए पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देने के लिए सरकार से मांग करता हूँ और परिवार को बच्चे की पढ़ाई का खर्च और लड़की के शादी का खर्च उनके पार्टी उठाएगी। साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार से इस्तीफा की मांग की है। आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट गुड्डू कुमार तिवारी के साथ। शराबबंदी की विफलता हम आज से गिना रहे हैं, हम पिछले 4 साल से गिना रहे हैं। 5 साल हुआ इस कानून को बने हुए, जिस दिन से कानून बना उस दिन से शराब मिल रहा है अवैध तरीके से और सब जान रहे हैं, पर वही सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप लोग बताइए, कोई आप लोग का काम है जो बिना घूस दिए होता हो? नहीं होता, नहीं होता। सरकार हर काम में घूस आप देते हैं। भैया आप सरकार में नहीं है तो आए हमारे दुख दर्द में शामिल हुए, लेकिन जो सरकार में है अभी तक वो नहीं आया। उनमें से किसी का कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, भाई गरीब लोग है, इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो लोग मगरूर है, ये लोग अपना अंदर अहंकार भरा हुआ है। नौजवानों को सोचना चाहिए कि अकेला चिराग पासवान। देखिए, हमसे व्यक्तिगत तौर पर जितना बन पा रहे हैं हम अपनी तरफ से करने का प्रयास कर रहे हैं, पर हम भी अकेले, हमारी ताकत बढ़ेगी तब ना हम कुछ करेंगे भाई। तो उसके लिए आप लोग साथ दीजिएगा। कल को हमारा काम हम लोग साथ काम करिए। बात कर रहे हैं, हम लोग मांग रख रहे हैं कि भाई जितने भी मृतक परिवार है उनको कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए और साथ ही में परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। या हम लोग अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, हम लोग सरकार के समक्ष हम लोग ये मांग रख रहे हैं, पर हकीकत यही है कि ये जो सरकार है नीतीश कुमार जी की, भाई आज की तारीख में ये लोग हम ही लोगों को दोषी ठहराता है। ये लोग बोलता है कि जो पिया है वही दोषी है। भाई अगर नहीं शराब दारू मिल रही होती तो कोई पीता क्या? आप शराबबंदी आप बोले हैं 2016 से, 2016 से फिर काहे शराब मिल रहा है अभी? ये जिम्मेदारी बनती है शासन की, प्रशासन की, इनके अधिकारियों की। अपने अधिकारियों पर ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करता है और हम ही लोगों को बदनाम करता है कि ये लोग दारू पिया है, यही लोग गलत आते हैं। भाई अगर नई शराब मिलती, मिल रही है तभी ना लोग पी रहा है, तो शराबबंदी का मतलब क्या हुआ? शराबबंदी का मतलब है कि शराब नहीं मिलनी चाहिए, पर ये लोग शराब बिकवाता है, शराब मिलती है तभी लोग पीता है और इस तरीके से उनकी जान जाती है। भाई सब जवान लोग यहाँ पर, जितना लोग है सब 40, 45, 50 साल का ना है, छोटा छोटा सबका बच्चा लोग है। तो ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है, मुख्यमंत्री को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इसीलिए आज यहाँ आप लोगों के बीच हम आए, ताकि आप लोग की इन बातों को हम मुख्यमंत्री के पास रखेंगे। हमसे व्यक्तिगत तौर पर, देखिए हम सरकार का अंग नहीं है, हमसे व्यक्तिगत तौर पर जिसका जो मदद होगा हम करने का प्रयास करेंगे। हमको भी पता चला कि दोगो बच्ची है, उनका भी उनका शादी का मामला है, शादी हो रहा है, उसमें जितना मदद होगा वो हम करवाएंगे अपनी तरफ से। शादी में लेना देना जो भी हमसे हो पाएगा वो हम करवाएंगे। कोई छोटा बच्चा लोग है उसको कहीं स्कूल में एडमिशन करवाना है वो हम करवाएंगे, और जो बड़ी जिम्मेदारी बनती है वो सरकार की बनेगी। आप लोग की तरफ से हम इस मांग को सरकार के समक्ष हम जरूर रखेंगे, पर आप लोगों से भी हम आग्रह करेंगे कि भाई ऐसी सरकार से भी सावधान रहने की हम लोग को जरूरत है। जो आज दुख की घड़ी में हम लोग के साथ नहीं खड़ा है, तो ऐसी सरकार, ऐसा मुख्यमंत्री होने का क्या मतलब है? आज ना हम लोग को जरूरत है सरकार की। वोट का समय आएगा सब भागा हुआ था, पर आज दुख के समय इनमें से कोई नहीं दिखता हम लोग को, कोई नहीं आया। तो इसीलिए हम लोग को भी ये याद रखना है कि कल को जब ये लोग वोट मांगने आए तो ये दिन हम लोग को याद रखना है भैया कि दुख की घड़ी में कौन खड़ा था हम लोग के साथ और आज हम लोग का कौन साथ दे रहा है। भाई ये लोग तो आज जब दुख की घड़ी है इल्जाम भी हम ही लोगों के ऊपर लगा रहे हैं। कितनी जगह हम गए हैं जहाँ पे जाकर घर के लोगों को घर से बाहर निकाल कर, महिला बच्चा लोगों को बाहर निकाल कर घर पे ताला लगा के घर को सील कर दिया, घर के लोगों को घर में नहीं जाने दे रहे। तो ये तो इन लोगों का कायदा कानून है,
ये इन लोगों का शासन प्रशासन का तंत्र है। तो हम लोग को भी ये सब याद रखना चाहिए कि आज जब हम लोग को जरूरत है, बच्ची लोगों की शादी है, कहाँ मुख्यमंत्री खड़े हैं? कहीं नहीं। इन लोगों का मंत्री लोग कोई नहीं सुन। आज जब हम लोग को जरूरत है बच्चा लोगों को पढ़ाने की, परिवार का एक कमाऊ आदमी ना गया है तो उसकी जगह सरकार को सरकारी नौकरी देने की जिम्मेदारी भी बनती है, बनती है नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार जी की जिम्मेदारी बनती है कि भैया तो सर... सही बात है, एक कमाऊ आदमी क्या है, आप दीजिए उसकी जगह नौकरी। नौकरी देना तो दूर की बात है, जो पारिवारिक लाभ मिलना चाहिए वो लाभ ये लोग हम लोग को नहीं देता। जो मुआवजा हम लोग का हक या अधिकार है वो मुआवजा हम लोग को नहीं देता। जो मजदूरी कर रहा है उसको लेबर विभाग की तरफ से भी उसको मुआवजा मिलना चाहिए। पर इन तमाम बातों पर प्रशासन खामोश रहता है। पर आप लोगों की तरफ से इस बात को हम रखेंगे मजबूती से, पर आप लोगों से भी आग्रह करेंगे कि ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। सिर्फ ये लोग भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। आप लोग बताइए, कोई आप लोगों का काम बिना घूस दिए होता है क्या? कोई काम घूस दिए बिना? पेंशन चाहिए तो घूस दीजिए।